फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी इमरती की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल हलवाई जैसी क्रिस्पी। आप देखिए कितनी अच्छी इमरती तैयार हुई है ना। तो फ्रेंड्स, ये जितनी टेढ़ी मेढ़ी है ना, उतना ही इसको बनाना आसान है। इतना आसान कि झटपट आप इसे तैयार कर सकते हैं, इतनी रसीली इमरती। तो इस मीठी रेसिपी के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है ना। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक इट रिपीट। मैं ऋतु गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। इमरती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप उड़द की दाल। ये धुली हुई उड़द की दाल है, जिसे 3 से 4 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। आप देख सकते हैं इस तरह से होती है ये दाल, उड़द की दाल। और 3-4 घंटे पहले भिगोकर इसको अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी में धो लें। आप पहले रात भी इसको भिगो सकते हैं। और आधा कप दाल को हमने भिगोने के बाद इस ब्लेंडर जार में पीस लेंगे। इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। जो हम पेस्ट तैयार करेंगे वो बिल्कुल बारीक होगा। तो अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, केवल 3 से 4 चम्मच पानी ही इसमें डालें। अब जब ये देखिए पिस गया है पेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें, और ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई दाना नहीं है। तो हमें इसी तरह से इसका पेस्ट तैयार करना है। और दाल को जब हम पीस लेंगे तो हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। बर्तन थोड़ा बड़ा लेंगे हम, बाउल बड़ा लें, ताकि हम जब फेंटेंगे इसको तो बहुत ही आसानी से ये हम फेंट सकें। तो देखिए अब हमारी दाल तो ये तैयार हो गई है। तो अब हम इसे रख देते हैं, और इससे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है, और उसमें डाली है मैंने अभी 1 कप चीनी। तो मैं पहले यहाँ पर 1 कप चीनी के साथ ही पानी डाल देती हूँ, कभी ये चीनी जल ना जाए। वैसे हम यहाँ पर 2 कप चीनी इसमें मिक्स कर रहे हैं, 2 कप चीनी और 1 कप पानी। और चीनी के घुलने तक हम इसे चलाते रहेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इसको पकने में नहीं लगेगा। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। आप इसमें इलायची के दाने भी क्रश करके डाल सकते हैं। ये मैंने 2 पिंच लिया है फूड कलर, तो ये भी इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर आपके पास है तो आप डाल लें। तो अब अच्छे तरह से देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। हमें बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है, केवल हमें इसे थोड़ा चिपचिपा रखना है, इसमें कोई तार नहीं बनाना है। तो अब ये हमारी जो चाशनी है तैयार हो गई है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और आप ध्यान रखें कि थोड़ा चिपचिपी ही रखें, इसे बहुत ज्यादा गाढ़ी ना करें। तो अब हम वापस से अपनी दाल पर आ जाते हैं। तो उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से हाथ से फेंट लेंगे, करीब 5 से 7 मिनट तक। देखिए इस तरह से अब फेंट लें, इसे हाथ से ही फेंटें। हाथ से बहुत अच्छी तरह से फेंट जाएगी। जब हम इसे फेंटते रहेंगे ना 5 से 7 मिनट तक, इसे लगातार इसी तरह फेंट लें, बहुत ही ज्यादा फ्लफी और लाइट हो जाएगी। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और भी ज्यादा लाइट और क्रीमी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैं इसे किस तरह से फेंट रही हूँ। इसी तरह से आप लगातार फेंटें। जितना अच्छे से आपकी दाल फिटी होगी ना, आपकी इमरती उतनी ही अच्छी तैयार होगी। देखिए मैंने इसे इस तरह से यहाँ पर फेंट लिया। आप देख सकते हैं कितनी लाइट हो गई है, और अभी मैं इसे फेंट ही रही हूँ ताकि और अच्छे से हो जाए। देखिए फूल भी गई है, बहुत लाइट हो गई है, कितनी क्रीमी है। तो हम इसे चेक कर लेंगे, और इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल में पानी लिया है, और इसमें थोड़ा सा हम हाथ में लेकर इस तरह से डालकर देख लेंगे। देखिए अगर ये दाल पानी में इस तरह तैर जाती है तो हमारी जो दाल है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। तो एक बार और आप चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आप डालकर चेक कर लें, अगर ये दाल पानी में तैर रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इससे इमरती तैयार कर सकते हैं। हमने कढ़ाई में घी को गर्म होने रख दिया है। मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज किया है, आप जो भी घी खाते हैं उसे यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक दूध का पैकेट लिया है इमरती बनाने के लिए, और इसे अच्छी तरह से धोकर ऊपर से इसे कैंची से काट लिया है। अब इसमें जो दाल थी ना, जो हमने अच्छे तरह से फेंट ली थी, उसको हम इसमें भर लेंगे। अगर आपके पास कोन है, कीप है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस दूध की पैकेट में आपको दिखा देती हूँ, ताकि बहुत ही इजीली सभी के पास अवेलेबल होता है। और अब हम इसे नीचे से हल्का सा कट लगा लेंगे इसमें।
बहुत ही बारीक कट इसमें लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें से अच्छी तरह से हमारा पेस्ट दाल का निकल रहा है। तो इस समय पर जब हमने घी को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही रखना है इसको। और हम अब इसकी मर्ती तैयार कर लेते हैं। इस तरह से पहले हम हाथ को घुमाते हुए हल्का हल्का इस तरह से दो राउंड लगाएंगे, फिर उसके ऊपर इस तरह से गोल गोल पत्तियां बनाएंगे, जैसे कि हम ड्रॉइंग में बनाते थे ना। तो समझिए आप हम इसमें आज ड्रॉइंग बनाएंगे। देखिए इसी तरह से बहुत ही इजी है इसे बनाना, बहुत आसानी से बन जाती है। बस गैस का फ्लेम आपको लो रखना होगा। देखिए इस तरह से आप राउंड शेप दें, फिर उसके ऊपर इस तरह से राउंड बना लें, जैसे लीव्स बना रहे हैं हम। और जो बनती जाएंगी उसको आप साइड में करते जाएं। मैं यहाँ पर बहुत ही आराम से बनाकर दिखा रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया है, ताकि आप बहुत ही इजीली तैयार कर सकें। और गैस का फ्लेम हल्का सा मीडियम कर लेंगे, मीडियम से लो फ्लेम पर ही हम इसे सेकेंगे। बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, और बनाने में मजा भी आता है। बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हम भी इसे बनाकर एक बार जरूर देखेंगे। तो जब ये एक तरफ से सीख जाए तो आप उसे पलट लेंगे। तो एक बार कढ़ाई में जितनी आए आप उतनी ही तैयार करेंगे, और मीडियम से लो फ्लेम पर आप इन्हें सेक लेंगे। फ्रेंड्स ये इमरती बनाना बहुत आसान है, केवल हमें पहले से दाल को भिगोना होता है, और उसे बनाने में बाद में केवल 10 मिनट में हमारी इमरती तैयार हो जाती है। जब ये गोल्डन कलर में आ जाएंगी, देखिए अब ये कितना गोल्डन कलर आ गया है। मैंने इसमें कलर नहीं मिक्स किया था दाल में, अगर आप कलर दाल में डालना चाहें तो दाल में भी डाल सकते हैं। तो अब हमने इसे चाशनी में डाल लिया है। चाशनी हमारी बहुत हल्की गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है इस समय पर चाशनी। और इस तरह से घी से निकालते हुए हम चाशनी में डाल लेंगे अपनी सभी इमरती को, और 4 से 5 मिनट हम इसे चाशनी में ही पड़े रहने देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी घी है ना हमारी इमरती। इसी तरह से हम सारी इमरती तैयार कर लेंगे, और सभी इमरती को तुरंत ही हम चाशनी में डिप कर देंगे, और 4 से 5 मिनट इन्हें चाशनी में ही पड़े रहने देंगे, जिससे इसमें सारा रस इसके अंदर चला जाए। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गई हैं, और मैं अब इमरती को बाहर निकाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है, अच्छी लग रही है देखने में, कितनी टेस्टी लग रही है। तो इसी तरह से हम सारी इमरती को तैयार कर लेंगे। बहुत ही झटपट और जल्दी घर पर तैयार हो जाती है, और बहुत टेस्टी लगती है। जैसे आजकल मार्केट बंद है तो आप मार्केट से तो ला नहीं सकते, तो इसीलिए घर पर ही आप इस रेसिपी को तैयार करें। देखिए इमरती बन गई है, बहुत अच्छी शेप भी आई है, और कितनी क्रिस्पी है मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत आसान है, बस इसमें कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। जब आप दाल को पीस रहे हैं तो दाल को बहुत बारीक पीसें, और सेकंड है कि आप जब दाल फेंट रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल फ्लफी और लाइट होने तक फेंट लें। बस आप ये 2-3 चीजें करेंगे ना तो आपकी इमरती बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी। और इसमें ना कोई बेकिंग सोडा डाला है, उसके बाद भी हमारी इमरती बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये आज की इमरती की रेसिपी पसंद आई है ना, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। तो आप इस गर्मा गर्म इमरती को तैयार कीजिए, और फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।